हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बिहार में भी अलर्ट। RLSP बोली बिहार में भी सड़क पर उतरेंगे किसान। बिहार में सरस्वती पूजा पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। साथ ही बड़ी खबर बताएंगे, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य में अब सभी मरीजों को मुफ्त में मिलेगी 102 एम्बुलेंस सेवा। साथ ही बड़ी खबर बताएंगे, विश्व बाजार में पहुंचेगा बिहार का कृषि उत्पाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम बदले। कोरोना वैक्सीनेशन में बिहार देश भर में पहले स्थान पर पहुंचा। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड से परिवारी मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 15 से PG का स्पॉट एडमिशन। और फिर इसी तरह के कुल 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें, और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे पहली खबर, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बिहार में भी अलर्ट। सीएम नीतीश बोले सावधान रहने की जरूरत। जी हां, उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति ने भयानक रूप लिया है। चमोली जिले के रनी में रविवार सुबह ग्लेशियर टूट गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। इधर उत्तराखंड में मची तबाही के बाद पड़ोस के राज्यों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वहां की भयावह स्थिति को देखते हुए हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जो तबाही मची है उससे बिहार में भी असर पड़ सकता है, इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट करने के लिए कह दिया गया है। जाहिर है कि ग्लेशियर टूटने के बाद इसका असर गंगा नदी पर भी पड़ेगा, इसीलिए बिहार को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। RLSP बोली बिहार में भी सड़क पर उतरेंगे किसान। डेथ वारंट है तीनों कृषि कानून। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ बिहार के किसानों में भी गुस्सा बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के किसान चौपाल में बिहार के किसान अपने गुस्से का इजहार खुलकर कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ रालोसपा का किसान चौपाल कार्यक्रम 2 फरवरी से बिहार में शुरू हो चुका है। किसान चौपाल 28 फरवरी तक लगाया जाएगा। पार्टी ने कहा कि इन कृषि कानून को लेकर जल्द ही बिहार में भी किसान आंदोलन शुरू करने और सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। रालोसपा इन कानूनों की खामियां की चर्चा पार्टी के कार्यक्रम किसान चौपाल में कर रही है, और किसानों व आम लोगों को बता रही है कि तीन कृषि कानून दरअसल किसानों के लिए डेथ वारंट है। बिहार में सरस्वती पूजा पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। अर्धसैनिक बल होंगे तैनात, जिले को मिलेगी रिजर्व फोर्स। जी हां, सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय सुरक्षा इंतजाम पर जुट गया है। अर्धसैनिक बलों के साथ ही जिलों में पुलिस की रिजर्व फोर्स की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर एक बैठक भी हो चुकी है। बिहार सरकार के जरिए केंद्र से 3 कंपनी अर्धसैनिक बल की मांग की है। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा के लिए अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति 5 दिनों के लिए होगी। यह 15 से 19 फरवरी तक के लिए होगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। जी हां, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए अपनी ओर से केंद्र सरकार के समक्ष वे प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से भी इसके लिए प्रयास करने के लिए कहा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के सभी गाँवों के साथ ही बिहार के सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों सहित देश के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने, देश के 102 जिलों में पोषण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। बड़ी खबर, अब सभी मरीजों को मुफ्त में मिलेगी 102 एम्बुलेंस सेवा। पहले 8 तरह के रोगियों को ही मिलती थी सुविधा। यहाँ बिहार का कोई भी मरीज अब फ्री 102 एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले सकता है। इसे सबके लिए निःशुल्क कर दिया गया है। शर्त यह है कि मरीजों को इस सेवा का लाभ तभी मिल पाएगा जब वे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होने जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को निर्देश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने अब किसी भी मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती होने या इमरजेंसी में सरकारी अस्पताल जाने के लिए फ्री 102 एम्बुलेंस सेवा देने का फैसला किया है।
बड़ी खबर, अब विश्व बाजार में पहुंचेगा बिहार का कृषि उत्पाद। बीएडी और एपीडा के बीच समझौता जल्द। जी हां, विश्व बाजार में बिहार के कृषि उत्पाद को पहुंचाया जाएगा। इससे न सिर्फ विश्व बाजार में यहां की फसलों की महक बिखरेगी बल्कि किसानों को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय का एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जल्द ही समझौता होगा। बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीनेशन में बिहार देश भर में पहले स्थान पर पहुंचा। अब तक लक्ष्य का 76.6% टीकाकरण। जी हां, बिहार लक्ष्य का 76.6% कोरोना टीकाकरण कर देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शनिवार की देर रात जारी आंकड़े के अनुसार निबंधित स्वास्थ्य कर्मियों में 60% से अधिक लक्ष्य देश के 13 राज्यों ने प्राप्त किया है। इनमें बिहार 76.6% लक्ष्य के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। मध्य प्रदेश 76.1% टीकाकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। मंत्रालय के अनुसार त्रिपुरा ने 76%, उत्तराखंड ने 71.5% स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। हालांकि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कोरोना टीकाकरण करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र सर्वोच्च स्थान पर है। महाराष्ट्र में अब तक 4,63,044 व्यक्तियों की कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। रविशंकर प्रसाद बोले, वन नेशन वन राशन कार्ड से प्रवासी मजदूरों को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय आईटी व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रेलवे बजट में बिहार को 5150 करोड़ रुपया मिला है। यह 2009-14 की तुलना में 355% ज़्यादा है। वन नेशन वन राशन कार्ड से प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। जमीन मालिकों को डिजिटल ओनरशिप कार्ड मिलेगा। साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बजट की पंच लाइन बताई, स्वस्थ स्वच्छ संकल्पित एवं सुरक्षित भारत, इससे जुड़े सभी पहलुओं की चर्चा की। बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार के 27,00,000 करोड़ रुपये के पैकेज और इसके तहत लोगों को दिए गए अनाज, रसोई गैस तथा खाते में भेजी गई सहायता राशि की जानकारी दी। बढ़ते अपराध पर चिराग ने जताई चिंता। कहा, बिहार में बढ़ गया है अपराधियों का मनोबल। बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। बात यदि चर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड की करे या फिर नालंदा में हुए दो युवकों की हत्या की करे तो आए दिन हो रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय बना हुआ है। चिराग पासवान ने कहा कि रूपेश सिंह का पूरा परिवार इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है। इसे लेकर उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। पीड़ित परिवार का मानना है कि रोड रेज को लेकर हत्या की बड़ी घटना का अंजाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए पीड़ित परिवार पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग कर रहा है। बड़ी खबर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 15 से पीजी का स्पॉट एडमिशन। जी हां, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पीजी की खाली सीटों पर 15 फरवरी से स्पॉट एडमिशन लेगा। इसमें उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिलेगा जो पिछले दिनों आवेदन नहीं कर पाए थे। साथ ही प्री पीएचडी परीक्षा के लिए भी फिर से एक बार आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह आश्वासन कुल सचिव जितेंद्र कुमार ने उनसे मिलने गए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है। कुल सचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय शीघ्र ही पीएचडी परीक्षा के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति करेगा। प्रतिनिधिमंडल की मांग पर कुल सचिव ने कहा कि 2018-20 की बीएड परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों के संबंध में राजभवन से बातचीत जारी है। इनका फॉर्म भरवा कर विश्वविद्यालय 2019-21 के पार्ट वन और 2018-20 के पार्ट टू के साथ ही परीक्षा के वंचित 384 विद्यार्थियों को दोनों ईयर की परीक्षाएं लेगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम बदले। अब लाभ लेने के लिए जमीन का दाखिल खारिज अनिवार्य। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। पुरखों के नाम के खेत पर अपने शेयर का निकाल गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र से अब काम नहीं चलेगा। योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में खेत का म्यूटेशन अपने नाम से कराना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बदला
बदलाव कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इस बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन नया आवेदन करने वाले को अपने नाम की जमीन का प्लॉट नंबर लिखना होगा। इस बदलाव से लाखों की संख्या में उन किसानों को परेशानी होगी जो अभी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। ऐसे किसानों की जमीन पुरखों के नाम में ही है, बंटवारा भी हो गया है तो बड़ी संख्या में किसानों ने खेत का नामांतरण नहीं कराया है। खरीदगी जमीन में तो परेशानी कम है, लेकिन जमीन अगर खतियानी है तो परेशानी ज्यादा होगी। मौसम विभाग का 10 फरवरी तक अलर्ट। पटना में रविवार को रहेगा कोहरा। बिहार के पश्चिमी जिलों में गिरेगा रात का तापमान। बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने 10 फरवरी तक कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। रविवार को पटना, गया, नवादा, वैशाली सहित बिहार के सभी हिस्सों में मध्यम और घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं की वजह से सुबह शाम मौसम सर्द बना रहेगा। पहाड़ों पर होने वाली लगातार बर्फबारी और दिल्ली उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में होने वाली बारिश की वजह से बर्फीली हवाओं का प्रभाव बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में दिखाई देगा। सबसे बड़े अस्पताल का नीतीश कुमार 8 फरवरी को करेंगे शिलान्यास। एम्स से बेहतर होगी सुविधा। जी हां, पीएमसीएच में बनने वाले 5462 बेड के नए अस्पताल का शिलान्यास 8 फरवरी को किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि करीब 7 साल में अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इमरजेंसी भवन के ऊपर हेलीपैड की सुविधा होगी ताकि आपात स्थिति में यहां एयर एम्बुलेंस को उतारा जा सके। यहां 500 बेड के आईसीयू की भी सुविधा होगी। साथ ही गांधी मैदान में पीएमसीएच को जोड़ने के लिए एनआईटी तक डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। एलिवेटेड रोड बनने से यहां आने वाले मरीजों को जाम से निजात मिल जाएगी। बिहार में 10वीं पास के लिए 1,14,000 रोजगार, हर माह मिलेंगे 5,000 रुपये। जी हां, सरकार ने 10वीं पास 1,14,000 लोग के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दिया है। पंचायती राज विभाग की योजना के तहत अब हर घर नल जल योजना के संचालन करने वाले अनुरक्षक को हर महीने 5,000 रुपये दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग की बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत के वार्ड स्तर तक निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अब हर माह राज्य के 1,14,691 वार्डों में चयनित अनुरक्षक को 2,000 रुपये मानदेय दी जाएगी और घर घर से वसूली गई राशि में से 3,000 रुपये मिलेंगे। बिहार में सोमवार से खुलेंगे 39,000 सरकारी व निजी स्कूल। सरकार ने जारी किया गाइडलाइंस। जी हां, बिहार के करीब 39,000 सरकारी और निजी विद्यालय सोमवार से खुल जाएंगे। 6 से 8 तक के इन सभी स्कूलों की हर कक्षा में रोजाना अधिकतम 50% बच्चे ही आएंगे। शेष 50% बच्चे अगले दिन स्कूल जाएंगे। हालांकि रोज शिक्षकों की 100% मौजूदगी रहेगी। इसके गाइडलाइन में स्कूल खुलने के पूर्व और बाद की तैयारी को भी स्पष्ट किया गया है। स्कूलों में साफ सफाई की सुविधा, डिजिटल थर्मामीटर, साबुन आदि की व्यवस्था विद्यालय शिक्षा समिति करेगा। स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल कैंपस की रोजाना सफाई करनी होगी। स्कूलों में बाहरी वेंडरों के प्रवेश पर रोक रहेगी। बच्चे घर से पका हुआ लंच लाएंगे। स्कूल में पानी एवं साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। कुंडी, डैशबोर्ड, बेंच, डेस्क को निरंतर सैनिटाइज करना होगा। स्कूल बसों को रोजाना 2 बार सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को कहा गया कि वे हमेशा फेस मास्क को लगाकर रखें, एक दूसरे से मास्क की अदला बदली ना करें, आपस में भोजन साझा नहीं करें। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ ही जो इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि रोजाना बिहार के ताजा अपडेट आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।